इस चैप्टर में हम कुछ एक्स्ट्रा टेक्स्ट लिखने वाले हैं। अगर आप अपने प्रोजेक्ट में कुछ एक्स्ट्रा टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो वो हम कैसे लिखेंगे, उसके लिए हम चले जाते हैं अपने ग्राउंड प्लान में। यहाँ पर देखेंगे प्रोजेक्ट ब्राउज़र में, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया ग्राउंड फ्लोर कॉल आउट वन, इस पर डबल क्लिक किया। उसके बाद अगर मुझे कहीं पर भी कोई भी टेक्स्ट लिखना है तो वो हम कैसे लिखेंगे। टेक्स्ट लिखने के लिए हमारे पास सबसे ऊपर जो टाइटल बार होती है उसमें हमारे पास क्विक एक्सेस मेन्यू बार होती है, यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन होता है। इसकी शॉर्टकट कमांड है TX। अगर आप शॉर्टकट कमांड यूज़ करना चाहते हैं तो TX लिख सकते हैं डायरेक्ट और कमांड एक्टिव हो जाएगी। या फिर हम जाएंगे एनोटेट टैब में और टेक्स्ट पैनल में हमारे पास यहाँ पर होता है टेक्स्ट, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं या यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं या शॉर्टकट कमांड TX भी दे सकते हैं। मैंने क्लिक किया टेक्स्ट। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जहाँ पर भी मुझे टेक्स्ट लिखना है हम लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर क्लिक करा दिया मैंने। क्लिक कराने के बाद मैं यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा रेक्टेंगुलर डक्ट। आप इसको सेलेक्ट करके, जो टेक्स्ट लिखा है इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर फॉन्ट पैनल में बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन या इसको सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट या इस तरह का टेक्स्ट भी दे सकते हैं आप। ऑल कैप्स में चाहिए या किसी तरह के भी आप यहाँ पर इनको चेंज कर सकते हैं। कॉपी कट पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अंडू का ऑप्शन है, फॉर टेक्स्ट के लिए है बस ओनली। और यहाँ पर नंबरिंग भी ले सकते हैं, अगर आप नंबरिंग बुलेट्स यूज़ करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये पैराग्राफ है, डिक्रीज इंडेंट करना है, इंक्रीज करना है, जो भी करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे क्लोज, तो हमें ये वार्निंग देगा जो हमने टेक्स्ट लिखा है ये हमें 3D व्यू में विजिबल नहीं होगा। तो ये सिर्फ टेक्स्ट 2D के लिए होता है, यहाँ पर हमने 2D के लिए इसको लिखा है। उसके बाद हम एस्केप बटन प्रेस करेंगे। अब हम टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं अगर, तो हमें यहाँ पर दो बटन दिखाता है, एक मूव का एक रोटेट का। मूव में हम इसको सिंपली मूव करके कहीं भी रख सकते हैं, जहाँ भी रखना चाहते हैं कहीं पर भी। और इसके बाद यहाँ पर ये रोटेट है, हम इसको कैसे भी रोटेट कर सकते हैं, जिस तरह कैसे भी करना चाहते हैं। और ये जो बटन है दो यहाँ पर, इस पर क्लिक करके हम इसको ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसे भी करना चाहते हैं, जहाँ पर रखना चाहते हैं इसको रखें। उसके बाद जब हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर हम इसमें लीडर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर प्लस का निशान बना हुआ है, ये स्ट्रेट होता है और ये आर्क वाला होता है। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया ही ऐड करने के लिए, तो इस तरीके से एक इसमें एक एरो बन के आ जाएगा। हम इसको कैसे भी रख सकते हैं, जैसे भी रखना चाहते हैं किसी भी जगह, और इसको इस तरीके से हम कर सकते हैं। हम कितनी भी एक टेक्स्ट में से कितनी भी लीडर बना सकते हैं, जितने भी हम करना चाहते हैं। दूसरी साइड में करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये लेफ़्ट के लिए होता है और ये राइट के लिए होता है। आप वन टाइम में वन ही यूज़ कर सकते हैं, या तो आप एरो वाला यूज़ कर सकते हैं, ये आर्क वाला यूज़ कर सकते हैं, या स्ट्रेट वाला। अगर हटाना है तो हम यहाँ से हटा सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे रिमूव लास्ट लीडर, जो लास्ट में बनाया है वो रिमूव होगा बस। उसके बाद दोबारा क्लिक करेंगे उसके जो लास्ट वाला था वो, इस पर क्लिक करेंगे जो उसके लास्ट वाला था वो। अगर आर्क वाला चाहते हैं तो हम आर्क वाला भी ले सकते हैं, जिस तरीके से भी हम रखना चाहते हैं आर्क वाला लीडर भी ले सकते हैं। राइट साइड में भी चाहिए तो राइट साइड में भी आ जाएगा लीडर। और जिस तरीके से भी आप इसको यूज़ करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो लीडर का पैलेस है ये लेफ़्ट साइड के लिए है और ये राइट साइड के लिए है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सेंटर में आएगा या बॉटम में, जिस तरीके से भी आप लेना चाहते हैं इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और जो टेक्स्ट है वो लेफ़्ट राइट सेंटर रखना चाहते हैं, जो हमारा बॉक्स है उसके लेफ़्ट राइट या सेंटर कहाँ रखना चाहते हैं वहाँ पर भी हम रख सकते हैं। स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, फाइंड रिप्लेस भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ इस तरीके से, और यहाँ पर भी कुछ ऑप्शन है, आप यहाँ से कुछ कर सकते हैं या फिर यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं ऑलरेडी, आप इनमें से यूज़ कर सकते हैं। जैसे 5 mm वाला चाहिए तो 5 mm वाला आ जाएगा, 2.5 mm वाला चाहिए 2.5 mm वाला आ जाएगा। या फिर आप एडिट टाइप पर क्लिक करें और उसमें आप यहाँ पर डुप्लीकेट पर क्लिक करके अपने नाम से भी कुछ इसमें बना सकते हैं, जो भी बनाना चाहते हैं। उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करें, एक डुप्लीकेट बन जाएगा। उसके बाद उसका कलर चेंज कर सकते हैं, लाइन का वेट
बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट चाहिए या ओपेक्यू चाहिए, यहाँ पर आप इसको ले सकते हैं। शो बॉर्डर, अगर बॉर्डर भी शो करना चाहते हैं इसका बॉर्डर भी शो कर सकते हैं। लीडर बॉर्डर ऑफसेट, जो लीडर का बॉर्डर से ऑफसेट है वो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। लीडर एरो हेड, जो लीडर का एरो का हेड है उसको भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं जिस तरह का लेना चाहते हैं। फॉन्ट किस तरह का चाहिए, एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, जो भी आप यहाँ पर लेना चाहते हैं ले सकते हैं। टेक्स्ट का साइज़ कितने mm का, टेब साइज़ यहाँ पर ले सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, विड्थ फैक्टर, जो भी आप यहाँ पर लेना चाहते हैं ले सकते हैं। सारी सेटिंग सिंपल है, उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करें ओके, तो ये उसी तरीके का हो जाएगा। आप कितनी भी टाइप के टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने स्टाइल से। तो इस तरीके से अगर आप अपने प्रोजेक्ट में कोई एक्स्ट्रा टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहते हैं तो वो आप इसमें लिख सकते हैं।